सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद महंगाई दर कम होने का नाम नहीं ले रही है। खाने पीने की बढ़ती कीमतों ने महंगाई दर को 10% के पार पहुंचा दिया है। खाने पीने के सामानों की बेकाबू होती कीमतों ने आम लोगों के साथ ही सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। 8 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते में खाद्य महंगाई दर बढ़कर 10.6% पर पहुंच चुकी है, जो इससे पहले हफ्ते में 9.32% थी। खाद्य महंगाई दर बढ़ने के पीछे सब्जियों का महंगा होना एक बड़ी वजह मानी जा रही है। सब्जियों की कीमतों में पिछले साल के मुकाबले 17.59% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं फल 12.39% महंगे हुए हैं, जबकि दूध की कीमत 10.8% बढ़े हैं। मांस और मछली की कीमतों में पिछले साल के मुकाबले 14.1% की तेजी आई है। दालें 7.42% महंगी हुई हैं, साथ ही अनाज की कीमतें 4.73% बढ़ी हैं। महंगाई को रोकने में सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। इसमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में 25 अक्टूबर को जब RBI अपनी नई क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा करेगी, उस दौरान कर्ज दरों में एक बार फिर से 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है। राजीव रंजन, न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली।